करते हैं स्टार्ट। बाकी लोग आते जाते रहेंगे, मुझे पता है इनके लिए वेट करने से कोई फायदा नहीं है। सेकंड हमारी हेडिंग थी ELVP, एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट, जिसका नाम हम लोग कहते हैं ELVP। एलिवेशन का मतलब मैंने आपको समझाया है बढ़ना होता है, ठीक है, ध्यान रखना है एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना। अगर मुझे लगता है फॉन्ट साइज चेंज कर लेना चाहिए, वेट करें। हाँ ये एलिवेशन का मतलब बढ़ना। देखिए इसमें हमारी पहली हेडिंग है जिसका नाम है फेस डायग्राम। वेट करेंगे थोड़ा एंड। हाँ देखिए पहली हमारी हेडिंग है जिसका नाम है फेस डायग्राम। एक बार दोबारा बोलता हूँ, एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट पिछले क्लास में RLVP हमने कर लिया है। अभी हमारी हेडिंग थी एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट, जिसमें हमारी पहली हेडिंग है जिसका नाम है फेस डायग्राम। फेस डायग्राम जरा से देखो क्या है, एक ऐसा पॉइंट, जरा प्लीज थोड़ा यहाँ देखेंगे, एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से सॉलिड हमने पढ़ लिया है, आप जानते हैं गैस भी हमने पढ़ लिया है और लिक्विड पढ़ लिया। मैं एक बार लिखवाऊंगा पहले, आप देख लो। एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे प्रेशर और टेम्परेचर कुछ भी हो, जो गिवन टेम्परेचर और गिवन प्रेशर हो, उस पे सॉलिड लिक्विड और गैस आके स्टेबल हो जाए, उस पॉइंट का नाम होता है ट्रिपल पॉइंट। इस ट्रिपल पॉइंट का नाम लिखते हैं फेस डायग्राम। ट्रिपल पॉइंट क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस तीनों आके जो है स्टेबिलिटी अपनी शो करते हो एट एनी गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर। फेस डायग्राम में लिखेंगे फेस डायग्राम में अ डायग्राम विच रिप्रेजेंट स्टेबिलिटी ऑफ अ डायग्राम विच रिप्रेजेंट स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस फेस स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस फेस ऑफ अ गिवन सबस्टांस ऑफ अ गिवन सबस्टांस अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इज नोन एज फेज डायग्राम कौन से। एक बार पूरी बात रिपीट कर रहा हूँ, अ डायग्राम विच रिप्रेजेंट स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस फेज ऑफ अ गिवन सब्सटेंस लाइक सॉलिड लिक्विड और गैस, जानते हैं अंडर द गिवन कंडीशन दैट इज प्रेशर एंड टेम्परेचर। गिवन कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इज नोन एज फेज डायग्राम। जरा मैं डिफाइन करता हूँ, आप देखें जिस पॉइंट पे सॉलिड लिक्विड गैस तीनों आ जाए उसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो इसको जरा डिफाइन करने के लिए हम ऐसे लेंगे एक वर्ड, यहाँ लिखा होगा वेपर प्रेशर, यहाँ लिखेंगे टेम्परेचर लिख लेते हैं, ठीक है। टी का मतलब टेम्परेचर, ठीक है। जरा ऐसे ग्राफ बनाना है आपको, इस तरीके का ग्राफ आपको बनाना है। थोड़ा सा मैं इसको और नीचे करके बनाता हूँ, और ये लाइन ऐसे ड्रॉ करना है, यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना है इस तरीके का, इस तरीके से बनाना है। यहाँ लिखना है सॉलिड, एस का मतलब सॉलिड है, एल का मतलब लिक्विड है और जी का मतलब गैस है। ये मॉलिक्यूल गैस की रिप्रेजेंट कर रहा है, गैस के लिए जी है ये, और ये एल है, एल के लिए लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देखिए हमने पिछले क्लास में बोला है 1 ATM अगर हम प्रेशर कर लें, 1 ATM का मतलब प्रेशर, अगर वैल्यू 1 ATM किसी बच्चे ने अगर 1 ATM यहाँ कर लिया, 1 ATM अगर हम प्रेशर कर लें, जैसे मान लेते हैं प्रेशर की वैल्यू ये 1 ATM, 1 ATM अगर हम प्रेशर करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, इस वैल्यू का नाम होगा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने बोला है कि इफ टी इक्वल टू टी एक्सटर्नल इक्वल टू 1 ATM, आपको याद होगा, या 760 mm ऑफ Hg, एक न्यूमेरिकल में हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था, आपको मैंने बताया था, तो इसका नाम याद होगा NBP था, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ये पिछले क्लास में इक्नोमेरिकल में इंट्रोड्यूस किया है। तो ग्राफ ऐसा है, जरा देख लें आप, इस तरीके से बना हुआ है।
इस ग्राफ के इस साइड में लिक्विड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम है, इस ग्राफ के इस साइड में सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम है, देखिए आप, और ग्राफ के इस साइड में सॉलिड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम तो होना ही है, क्योंकि केमिस्ट्री में जब भी हम पढ़ेंगे या कोई केमिकल बनाएंगे तो उसमें इक्विलिब्रियम आएगा ही आएगा, उसमें इक्विलिब्रियम आएगा ही आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया हो। ये जो पॉइंट है जहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस तीनों एक जगह आके मिलते हैं, इस पॉइंट का नाम बुक्स में लिखा होगा ट्रिपल पॉइंट। मैं जरा यहाँ लिखता हूँ इस पॉइंट का नाम, मैं थोड़ा यहाँ से एक एरो बना के लिखूंगा, इस पॉइंट का नाम है ट्रिपल पॉइंट। इससे ज्यादातर क्वेश्चन जे एडवांस में आए हुए हैं, इन सारे सेगमेंट्स जे एडवांस आए हुए हैं। मैं तो देखो एक बात यही चाहता हूँ, ऐसे मैंने 10 साल हो गए, 11वां साल है मेरा पढ़ाते हुए या 12वां साल है, मैंने 10-11 सालों में मैंने पढ़ाया है, तो मैं सोचता हूँ पहले अच्छे से पढ़ा लें, बच्चे अच्छे से पढ़ लें और सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँ। लेकिन थोड़ा इस बार यहाँ पे सिचुएशन आपके बैच से ये है कि बच्चे आते ही नहीं और बहुत कम आते हैं, वो भी ट्राई नहीं करते न्यूमेरिकल, तो पता नहीं क्या है, आप उसे देखेंगे। ट्रिपल पॉइंट लास्ट ईयर जेई एडवांस में आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है, और ट्रिपल पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है वो बुक्स में लिखा होगा 0.01 डिग्री सेल्सियस। ट्रिपल पॉइंट पे लिखा हुआ है 0.01 डिग्री सेल्सियस। और एंड प्रेशर के बारे में बात करूंगा तो प्रेशर के बारे में बुक्स में लिखा होगा 4.58 mm of inch। आपको ये डाटा वगैरह याद नहीं रखना है, ये डाटा चूंकि मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए हमने लिखा है, लेकिन आपको डाटा याद नहीं रखना है। आपको मैंने सीधा सीधा बताया क्या याद रखना है, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस और तीनों आ जाए, उसको बोलेंगे हम ट्रिपल पॉइंट। सॉलिड हमने पढ़ लिया, लिक्विड हमने पढ़ लिया, गैस हम पढ़ रहे हैं, तीनों एक जगह कंबाइन होगा तो उसका नाम होगा ट्रिपल पॉइंट। इसके बाद इस पॉइंट पे जरा देखिए आप, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे जहाँ पे लिक्विड 1 atm के आसपास में आ रहा है, जहाँ पे लिक्विड 1 atm के आसपास में आ रहा है, ये लाइन जो हम लोग यहाँ बना रहे हैं इसका नाम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट था। तो इस लाइन के बारे में लिखा हुआ नॉर्मल फ्रिजिंग पॉइंट, NFP लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ फ्रिज होगा, नॉर्मल फ्रिजिंग पॉइंट, नॉर्मल फ्रिजिंग पॉइंट। तो अभी जो हमारी हेडिंग है बेसिकली वो लिखा हुआ है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नाम से पढ़ के पता चल रहा है एलिवेशन मतलब बढ़ना चाहिए, और किधर बढ़ना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट में वैल्यू बढ़ना चाहिए। मैं पूरा प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा, NCERT में रट्टा मारने वाली जैसी बात है, लेकिन मैं आपको पूरा प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। अभी जो फ्रिजिंग वर्ड है, फ्रिजिंग वर्ड अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, फ्रिजिंग वाला डिप्रेशन इन फ्रिजिंग पॉइंट जो अगला हमने लिखा है, मतलब थर्ड जो है जिसे हम कल करेंगे, आज ही बॉइलिंग पॉइंट में ही टाइम बहुत चला जाएगा। तो NFP जो लिखा हुआ है, NFP का नॉर्मल इन फ्रिजिंग पॉइंट लिखा हुआ है। बेसिकली एक हमने हेडिंग लिख रखा पहला RLBP जिसको हमने देख लिया है, LBP हमने देख लिया है, इसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो अभी हम देखने वाले हैं, जो NBP के आसपास में आएगा, बेसिकली वो NBP के आसपास में आएगा। इसके बाद NFP जो है हम लोग कल करेंगे, जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रिजिंग पॉइंट। बार बार ऐसा मैं ड्यूरिंग लेक्चर बोलते रहता हूँ ताकि बच्चा इजिली समझ पाए। तो यहाँ तक हमने देख लिया, इसके बाद जरा देखो हमने थोड़ा ये भी देख रखा है, एक लाइन थोड़ा ये भी लिख देता हूँ कि जिसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, ये पिछले क्लास में हमने देख लिया है, जिसको मैंने थोड़ा जानबूझ के दोबारा यहाँ लिखा है। अब थोड़ा हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, जो हमारे क्लास 12th के बोर्ड में क्वेश्चन है उसके हिसाब से प्रूफ करेंगे। यहाँ जरा देखिए आपको तो पता है, जरा प्लीज यहाँ देखें सभी बच्चे, आपको पता है कि एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये लिख देता हूँ एक सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में बाहर से कुछ हम ऐड कर रहे हैं, थोड़ा यहाँ ध्यान से देखना है, बाहर से कौन ऐड करना है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करना है, मैंने जानबूझ के थोड़ा ये लिखा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को क्या करना है, ऐड करना है। कैसे पता चला नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करना है, क्योंकि हमने लिख रखा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेना है, कंडीशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में देखना है, वहां पर लिखा हुआ है कंडीशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में लिखा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेना है। नॉन वोलेटाइल में लिखा हुआ है, सॉरी कंडीशन में लिखा हुआ था, वहां पे मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि सॉल्यूट कैसा लेना है, नॉन वोलेटाइल लेना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इस पे मतलब जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करेगा, तो ध्यान रखना वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं ले सकते। अब जैसे ही नॉन वोलेटाइल लेंगे तो आप इधर जानते हैं इधर क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा तो इसी के बारे में जरा से देखो, इधर थोड़ा लिखता हूँ, सॉल्यूशन बनेगा तो क्या होगा, इंट्रैक्शन, जरा यहाँ देखना है, इंट्रैक्शन के बारे में हम देखेंगे। ऐसे केस में इंट्रैक्शन बढ़ेगा, इंट्रैक्शन बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा जरा इधर देख लो आप, वेपर प्रेशर इसका क्या होगा, कम होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी। ये हमने लाइन कैसे लिखा आपको मैं फिर से समझाता हूँ। एक कंटेनर, आपके पास तीन कंटेनर है, कंटेनर ए में केवल सॉल्वेंट है जिसका नाम ए है,
कंटेनर बी में केवल बीवी है इस तरीके से जो नॉन वोलेटाइल है, दोनों को जब मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। तो दोनों के कंटेनर में ए इंटरेक्शन और बीवी इंटरेक्शन आने से एवी इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब ए और एवी इंटरेक्शन बढ़ेगा तो ऐसे केस में हमने आपको बताया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये एफ ओ ए लिखा हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये लिखा हुआ है एफ ओ ए, इसको पूरा वो बना देता हूँ, ये एफ ओ ए लिखा हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन है, वेपर प्रेशर है। इसको लेके हम एक ग्राफ बनाएंगे जो क्लास 12th के बोर्ड में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और अब तक ये दो तीन बार आया हुआ है। तो ग्राफ कैसे बनता है उसको डिफाइन करने के लिए पहले मैंने समझाया था, अब जरा इधर मैं ग्राफ बनाता हूँ, थोड़ा ध्यान से इसको देखें और जल्दी से क्लियर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है ग्राफ क्लास 12th बोर्ड के लिए, देखो इधर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आ रहा है, हर साल इस बार का भी पेपर उठा के देख लेना, मैंने बताया जब भी हर साल आता है इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा लाइन आप सीधा बनाना, मेरे पास थोड़ा बोर्ड नहीं है इसलिए मैं से बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेपर प्रेशर और यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्यों नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नाम को जरा ध्यान से सुनना है, क्या नाम है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आप याद होगा जो सोल्यूशन का हमने ग्राफ बनाया होगा, सभी बच्चे जरा देखें, सोल्यूशन का जब हमने ग्राफ बनाया होगा वो इस तरीके से बनता है, प्योर सॉल्वेंट अगर 100% केवल एक लेंगे तो इस तरीके का बनता है, जरा देखो इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का बनेगा, ये हमारा है इस पॉइंट पे, जरा सभी बच्चे देखें, यहां से हमने लाइन ड्रॉ करा, इस लाइन का मतलब है कि इस पॉइंट पे हमने 1 एटीएम प्रेशर लिया, 1 एटीएम प्रेशर लेंगे, ये जो मॉलिक्यूल हमने लिखा है ये प्योर सॉल्वेंट है, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, ये ग्राफ कैसे आ रहा है अभी बताता हूँ आपको, ये प्योर सॉल्वेंट लिखा हुआ है, तो ये वाला जो वैल्यू है प्योर सॉल्वेंट का ये इसका होगा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ये इसका क्या है बेसिकली नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, ये एनबीपी है। एनबीपी कैसे पता चला, एक बार दोबारा बोलता हूँ मैं, ये ग्राफ समझाने के लिए मैं सारी बातें लिख रहा हूँ, एक वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा तभी मॉलिक्यूल बॉइल होगा, इवेपोरेट वगैरह होता होगा। 1 एटीएम कैसे लिखा है हमने, हमने पिछले क्लास में समझाया था कि 1 एटीएम लेते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट को मेजरमेंट करने के लिए, तो 1 एटीएम आप कहीं मान लो, हमने वहां माना है, तो 1 एटीएम के केस में सॉल्यूशन का जो 100% जो प्योर सॉल्यूशन है, प्योर सॉल्यूशन को आप जानते हैं किससे हम दिखाते हैं, नॉट से दिखाते हैं, आज की क्लास में मैंने बताया था, जैसे ये रफ है लिखना नहीं है, पी नॉट ए आप जानते थे, पी नॉट बी इस तरीके से हम दिखा देते, तो एनबीपी को अब एक हम नया कॉन्स्टेंट जरा डिफाइन करेंगे जिसका नाम बुक्स में इस तरीके से लिखा होगा पी नॉट बी, जरा प्लीज यहाँ देखिए पी नॉट बी, पी नॉट बी का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको मैं थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ, लिखा हुआ है बीपी ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ प्योर सॉल्वेंट, बीपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। सर आपने यहाँ पे सॉल्यूट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, इवेपोरेट ही नहीं होगा, जब इवेपोरेट नहीं होगा तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट ही नहीं हो सकती है। मैं कई बार इन बातों को रिपीट कर रहा हूँ ताकि भेजे में अच्छे से उतर जाए, आप इनको ध्यान से सुन लो। इसके बाद जैसे ही सॉल्वेंट में हम क्या करेंगे, सॉल्यूट को मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद क्या होगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे ही सॉल्यूशन बनेगा, अब थोड़ा ध्यान से इस ऊपर वाली लाइन को देखना जो यहाँ पर हमने लिखा, इस कंटेंट को जरा ध्यान से लिखना जो यहाँ पर थोड़ा लिखा हुआ है, जैसे ही सॉल्वेंट उसमें सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिक्स होगा, जैसे कि इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जब वेपर प्रेशर कम होगा तो इसका ग्राफ जरा देखो, सभी बच्चे देखेंगे इसका ग्राफ जो है एनसीईआरटी वाले क्या करते हैं, यहाँ से नीचे की ओर बनाते हुए ऊपर ले जाएंगे, इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। अब बढ़िया से बनाना, मैंने थोड़ा ऐसे बनाया, तो ये वाला जो ग्राफ होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, जरा देख लें आप इस पॉइंट का नाम, ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे डिफाइन किया है इसका भी कोई नाम हमने रखा होगा, जैसे इसका नाम रखा होगा बीपी ऑफ सॉल्यूशन, इस पॉइंट का नाम है बीपी ऑफ सॉल्यूशन, क्या लिखा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। नीचे वाले का क्या नाम है, बीपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, बीपी ऑफ, जरा प्लीज सभी बच्चे देखें, बीपी ऑफ सॉल्यूशन का नाम है एनसीईआरटी में टीवी लिखा हुआ होगा, तो हम भी एक टीवी लिखेंगे। टीवी कैसे पता चल रहा है, टी का मतलब टेम्परेचर और बी का मतलब बॉइलिंग और नॉट का मतलब आप जानते हैं ओरिजिनल 100% प्योर के लिए क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, तो हमने यहाँ पे नॉट लिख दिया हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब मुझे इस ग्राफ में दो बातें समझ में आ रही है, जरा देखो इस ग्राफ में ऊपर वाले ग्राफ से एक बार कंपेयर करेंगे, आपके पास एक ग्राफ बना होगा, जरा सभी बच्चे इस ग्राफ में देखें, ट्रिपल पॉइंट वाला जो ग्राफ है उसको जरा देखें, उस ग्राफ में से जो हमने इसी ग्राफ का एक कंटेंट पार्ट ये उठाया है, उस कंटेंट में से जो गैस वाले साइड में है वही वाला मॉलिक्यूल दिखना है, गैस वाले साइड वाले वैल्यू को देखना है, सीधा वो ग्राफ हमने उठाया है और उसमें 1 एटीएम पे जो हमें वैल्यू दिख रहा है उसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और उसमें जैसे हमने सॉल्यूट मिक्स किया, चूंकि नॉन वोलेटाइल है, मिक्स होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि नॉन वोलेटाइल है, कैसा भी रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें बढ़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल क्लोज आ सकते हैं, जैसे ही क्लोज आएंगे तो उसमें इस केस में मैंने ऐसा बताया है कि इसका वेपर प्रेशर कम होगा, तो नीचे वाला जो ये लाइन लिखा हुआ है, नीचे वाला लाइन सॉल्यूशन के लिए, ये प्योर सॉल्वेंट के लिए है, और ये जो सॉल्यूशन के लिए लाइन है ये किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए लाइन है, तो सॉल्यूशन में वैल्यू कम हो जाएगा। ये जो डिफरेंस है जरा यहाँ देखिए क्या डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है यहाँ जरा सभी बच्चे देखेंगे, ये जो डिफरेंस है इसका नाम लिखा होता है एनसीईआरटी में डेल्टा टीवी, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे एरो बना के साफ लिख रहा हूँ, क्या लिखा हुआ ये डेल्टा टीवी,
और डेल्टा टी भी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डेल्टा टी की जरा देखो मैं इसको थोड़ा साइड वाले वैल्यूओं को हटा दूं ताकि समझ पाए। डेल्टा टी भी निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है टीवी माइनस टी नॉट बी, इसको फॉर्मूला नंबर वन हम मेंशन करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला नंबर वन है। ये जो डेल्टा टीवी है इसी का नाम लिखा होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीवी का ही नाम क्या लिखा हुआ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है मैंने आपको समझा दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्यों ऐड करेंगे मैंने ये भी आपको समझा दिया है, ये आपको अच्छे से समझ में सारी बातें आ गया होगा। एक बात हम अब तक की क्लास में देखते हुए आ रहे हैं, सॉल्यूशन में देख रहे हैं कि हर टॉपिक के तीन फॉर्मूले बन रहे हैं। आप देख लो राउल्ट सॉ के तीन फॉर्मूले, राउल्ट सॉ के केस टू का तीन फॉर्मूला, जितने भी पीछे हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सबके तीन तीन फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन का तीन फॉर्मूला, आप जो लिखा हुआ है टाइस सॉल्यूशन में देख लो तीन फॉर्मूले, इसको भी हम डिफाइन करेंगे और इसके भी क्या होंगे तीन फॉर्मूले होंगे जिसमें से पहला ये है और बाकी दो फॉर्मूले थोड़ा देखते हैं। स्क्रीन पे जरा सभी बच्चे ध्यान से देखते हुए चले, आपने लिख लिया होगा ये, ठीक है। ये हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था। अगर इसको हम थर्मोडायनेमिक्स में भी एक बार क्वेश्चन जरा पूछा हुआ है तो जरा देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, इसको जरा लेके चलेंगे। तो मैंने आपको समझाया था कि थर्मोडायनेमिक्स मैंने आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स से जो भी क्वेश्चन यहाँ आएगा मैं आपको अच्छे से कोशिश करूंगा समझाऊंगा कि कैसे वो हो रहा है। थर्मोडायनेमिक्स में आपको पूरी बात क्लियर होगी। एंट्रोपी एक वर्ड जरा देखें क्या है, एंट्रोपी का आपको पता है सिंबल क्या होता है, एस। एंट्रोपी का सिंबल क्या है, एस। एस का मतलब होता है रैपिड रैंडम मोशन, आसान शब्दों में फैलना, क्या होता है चारों तरफ कहीं भी फैलना, भागना इधर उधर। तो यहाँ पे चूंकि तीन मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, एक हो रहा है एस वेपर, जरा देख लो, एक हो रहा है एस सॉल्वेंट। ये एस वेपर क्या है, वेपर ऑफ एंट्रोपी, वेपर ऑफ सॉल्वेंट, और एक लिखा हुआ है वेपर ऑफ सॉल्यूशन। फिर से तीनों वर्ड को जरा देख लें, एक लिखा हुआ है एस वेपर, वेपर ऑफ एंट्रोपी, वेपर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर ऑफ जो है सॉल्वेंट लिखा हुआ है। इन तीनों को लेके ग्राफ बनाएंगे, इन तीनों का भी जरा ग्राफ देखते हैं यहाँ पे, फिर आपको पूरी बात क्लियर होगी। ये तीन लाइन यहाँ बना हुआ है, इसका नाम है एस वेपर, इसका नाम है एस सॉल्वेंट, मतलब सॉरी सॉल्यूशन लिखना, एस सॉल्यूशन, और लास्ट वाले का नाम है यहाँ पे लिखा हुआ है एस सॉल्वेंट, एस सॉल्वेंट, और ये एक एरो बना के बुक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है एस। मैं समझाता हूँ कैसे हुआ होगा। आपको तो पता है कि गैस मॉलिक्यूल दैट इज वेपर मॉलिक्यूल में हमें आज इस रूम में बैठ के आप पढ़ रहे हैं उस रूम में भी गैस मॉलिक्यूल है जो इजीली दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी उसका एक्सपेंशन की क्वालिटी जो है बहुत फास्ट है, बहुत तेजी से एक्सपेंड करता है। तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होगी, वेपर का होगा, इसलिए वेपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है। फिर सॉल्वेंट का सॉल्यूट के सॉल्यूशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सॉल्यूशन इसलिए हमने लिखा है क्योंकि सॉल्यूशन में जब भी मॉलिक्यूल इंटरेक्ट होते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती थी। आइडियल नॉन आइडियल में देख लें डेल्टा एस मिक्स क्या होता है, बढ़ता है, हम सब जानते हैं क्या होगा, बढ़ेगा, और सॉल्वेंट में क्या होगा, कम होगा। सॉल्यूट का आपने सर यहाँ क्यों नहीं लिखा, सॉल्यूट का इसलिए हमने नहीं लिखा क्योंकि सॉल्यूट एक नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल मतलब सॉलिड है, और सॉलिड का एंट्रोपी यानी फैलने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। आप समझ पा रहे होंगे। तो अगर मैं यहाँ से जरा देखूं इनका डिफरेंस निकालूं, पहले यहाँ से यहाँ तक अगर मैं डिफरेंस देखूं, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस देखूंगा तो ये होगा डेल्टा एस सॉल्यूशन, क्या होगा ये डेल्टा एस सॉल्यूशन, और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस अगर मैं देखूं तो इसका नाम बुक्स में लिखा होगा डेल्टा एस सॉल्वेंट, क्या नाम लिखा होगा डेल्टा एस सॉल्वेंट, इसको जरा कॉपी करेंगे जल्दी से, डेल्टा एस सॉल्वेंट। आगे बढ़ते हैं, देखिए काफी आगे कोर्स में फॉर्मूला आएगा, अभी फॉर्मूला हम लिख रहे हैं आपको याद बात करने की जरूरत नहीं, बस ऐसा लिखा हुआ डेल्टा एस वेपराइजेशन इक्वल टू होता है डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई टी, टी का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मतलब है बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरीके से अगर मैं डेल्टा एस सॉल्यूशन का फॉर्मूला डिफाइन करूंगा, ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है सर, ये थर्मोडायनेमिक्स से आ रहा है, लेकिन बस अभी फिलहाल हम लिख लेंगे, कोई फॉर्मूला है बस, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं। ऊपर में तो हम लिखेंगे डेल्टा एच वेपर भी क्योंकि वेपर बन रहा है, लेकिन नीचे इस बार हम टीवी लिखेंगे। टीवी मैंने क्यों लिखा है, आप क्लास नोट्स में जरा देखिए, अभी जो एक ग्राफ हमने बनाया था इसी ग्राफ के ऊपर, थर्मोडायनेमिक के ऊपर एक ग्राफ हमने बनाया था, आप वहाँ पे टीवी देख सकते हो, टीवी जो है वह लिखा हुआ वहाँ पे बीपी ऑफ सॉल्यूशन, वहाँ पे लिखा हुआ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब वो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का है। फिर हम जो सॉल्वेंट का निकालेंगे यहाँ पे, तो इसमें भी डेल्टा एच वेपर होगा क्योंकि सब में वेपर बन रहा है, लेकिन इस बार यहाँ पे टी नॉट बी होगा, कितना होगा टी नॉट बी होगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा हो, टी नॉट बी लिखेंगे। यहाँ से एक बार क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है कि टी नॉट बी और टीवी में क्या रिलेशन होगा, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था
डेल्टा टीवी कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, डेल्टा टीवी निकालने के लिए करते हैं टीवी माइनस टी नॉट भी निकालते हैं, तो ऑफकोर्स टीवी कैसा होगा, बड़ा होगा। एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, एक क्वेश्चन पास्ट ईयर में ये आया हुआ है। दूसरा हमने थोड़ी देर पहले यानी आज की मॉर्निंग की क्लास में देखा था, लिखा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डिपेंड ऑन मोलालिटी। मोलालिटी का सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम। तो जो सेकंड फॉर्मूला होगा वो हम लिखेंगे डेल्टा टीवी, सेकंड फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, डेल्टा टीवी, इसमें टी कैपिटल है। डेल्टा टीवी का मतलब है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। ध्यान रखना ये मोलालिटी लिखा हुआ है, जिसका नाम है फॉर्मूला नंबर टू। मोलालिटी के बारे में कॉपी के साइड में थोड़ा ऐसा लिखना है ताकि बीच में कोई कंफ्यूजन ना है, जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट ऊपर लेते हैं आप जानते हैं, और नीचे में मास लेते हैं केजी में। किसका मास लेते हैं, सॉल्वेंट का, ये किस में लेते हैं, केजी में। पिछले क्लास में मैंने पढ़ा दिया था, मैंने जानबूझ के थोड़ा साइड में लिखा ताकि कोई बच्चा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, कोई बच्चा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। देखें जरा साहब इसके बाद, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हम हटाएंगे। यहाँ देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हम हटाएंगे इसका, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो ये एम तो एज इट इज रहेगा, जरा देख लो एम एज इट इज रहेगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाने के बाद यहाँ पे कांस्टेंट आएगा जिसका नाम है के बी, बी का नाम है बॉइलिंग, और के कांस्टेंट है, के क्या है, कांस्टेंट है, और बी का नाम है बॉइलिंग, और इनटू इसमें आई, आई क्या है हमारा, आई हमने पिछले क्लास में देखा है वांटा फैक्टर नाम है, तो ये रखेंगे, ये लिखेंगे जिसका नाम है फॉर्मूला नंबर थ्री, जिसका नाम है फॉर्मूला नंबर थ्री, ये है फॉर्मूला नंबर थ्री। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, लिखना है नीचे से थोड़ा, ये नीचे से लिखना है थोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे के बी इज अ कॉन्स्टेंट, के बी इज अ कॉन्स्टेंट नोन एज मोलल, MOLAL, मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, MOLAL, मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, एलिवेशन, एलिवेशन मतलब बढ़ना, एलिवेशन कॉन्स्टेंट। और देखो जरा सा ये एक और नाम है इसका, इवियोलियोस्कोपिक, जरा प्लीज यहाँ स्क्रीन पे देखना है, इवियोलियोस्कोपिक नाम लिखा हुआ है, पहली बार एक नया ऐसा नाम आएगा, इवियोलियोस्कोपिक, EBULLIOSCOPIC, इवियोलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसी तरीके से कुछ दिनों में और भी कांस्टेंट आएंगे, जैसे एक का नाम होगा कापा, इसी तरीके से और भी धीरे धीरे आएंगे, ठीक है। क्रायोस्कोपिक, इस तरीके से नए नए नाम आने वाले हैं जिनको हम जरा सा देखेंगे, अभी तो फिलहाल ये लिखा हुआ है। एक थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये भी जरा मैं समझाऊं, मैंने वैसे ये सब समझा दिया है। यहाँ देखो, अगर आप नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है एन बाई वी लीटर में, तो इसका जो वैल्यू आता है वो नॉर्मल होता है, इसके नाम क्या, हम क्या लिखते हैं, नॉर्मल, जिसका सिंबल होता है कैपिटल एन। मोलारिटी निकालते हैं तो एन बाई वी लेते हैं लीटर में, और इसका जो आंसर आता है उसको मोलर बोलते हैं, और इसका सिंबल हम क्या लेते हैं, कैपिटल एम। लेकिन जब स्मॉल एम आएगा तो इसका लेते हैं एम, और यहाँ पे लेते हैं सॉल्वेंट, जरा देखो यहाँ पे थोड़ा केजी, और जो इसकी वैल्यू आती है उसको बोलते हैं मोलल। तो यहाँ पे लिखा हुआ था ऊपर में इवियोस्कोपिक कांस्टेंट के ऊपर लिखा हुआ है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, तो मोलल वर्ड कहाँ से आ रहा है मैंने आपको समझा दिया है, मोलालिटी की वैल्यू में जो भी आएगी न्यूमेरिकली सॉल्व करने पे उसके नाम के लास्ट में क्या लगाते हैं, मोलल लगाते हैं, ठीक है। तो थोड़े यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो पूछे हुए हैं बोर्ड वोर्ड में। इसमें पहला लिखा हुआ है डिफाइन के बी, फर्स्ट लिखना डिफाइन के बी, डिफाइन के बी, के बी के बारे में जरा देखो क्या लिखा हुआ था, लिखा हुआ था डेल्टा, ये कैपिटल टी है, सॉरी ये कैपिटल टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू स्मॉल एम, बार बार एम ऐसे ही बनाना है, नहीं तो कैपिटल एम में पता नहीं चले। अगर किसी बच्चे ने आई के जगह पे वन ले लिया, यहाँ पे जरा देख लें, आई के जगह पे वन ले लिया, मोलालिटी के जगह पे भी वन ले लिया, आई के जगह पे वन, मोलालिटी इक्वल टू वन, देन क्या होगा यहाँ पे, डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, के बी। तो ये लिखना है जरा आपको, और लिखना है के बी में, इसके बाद लिखने के बाद लिखेंगे इसके बाद के बी इज अ कॉन्स्टेंट, सॉरी के बी इज डिफाइन एज, के बी इज डिफाइन एज ई एल वी पी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ई एल वी पी फॉर फॉर वन मोलल सॉल्यूशन,
MOLAL, वन मोलल सॉल्यूशन, ELBP जो डिफाइन, सॉरी क्या नाम था इसका, केबी, केबी जो डिफाइन फॉर, देखा आप लोगों ने, क्या डिफाइन है ELBP फॉर वन मोलल सॉल्यूशन। दूसरा लिखना है यूनिट ऑफ केबी, यूनिट ऑफ केबी, केबी की यूनिट देखेंगे कैसे निकालते होंगे हम। तो यहाँ पे जस्ट ये फॉर्मूला था, आपको फॉर्मूला लिखना नहीं, मैं जरा लिख रहा हूँ बार बार, देखो I इंटू के बी इंटू स्मॉल m, तो इसका दो यूनिट लिखा हुआ होगा, एक यूनिट लिखा हुआ कैलोरी, के का मतलब कैलोरी है, ध्यान रखना है, सॉरी कैल्विन है, कैल्विन केजी पर मोल, एक यूनिट ये है इसका। दूसरा यूनिट ये है, जरा देखें, डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, ये लिखना है, दो यूनिट है, पहला है कैल्विन केजी पर मोल। आपको ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा ये यूज होगा, क्यों ऐसा, मैंने बताया था कि फिजिकल केमिस्ट्री में अब तक हमने जितने चैप्टर पढ़े हैं उसमें सारे टेम्परेचर की जो वैल्यू है केल्विन में लेते हैं, बाय डिफॉल्ट किस में लेते हैं हम, केल्विन में लेते हैं, बाय डिफॉल्ट हम केल्विन में लेते हैं। उम्मीद करता हूँ हो गया हो, और जरा देखें, और लिखेंगे वैल्यू ऑफ केबी, थर्ड हमारी हेडिंग है वैल्यू ऑफ केबी, थर्ड हमारी हेडिंग है वैल्यू ऑफ केबी, केबी लिखना इसमें, लिखना इट्स वैल्यू आर गिवन इन द प्रॉब्लम, इट्स वैल्यू आर गिवन इन द प्रॉब्लम एंड एंड इट इज डिफरेंट, एंड इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट। पूरी लाइन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरी लाइन रिपीट कर रहा हूँ, वैल्यू इट्स वैल्यू गिवन इन द प्रॉब्लम, इट्स वैल्यू गिवन इन द प्रॉब्लम एंड इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट, आप लोगों ने सॉल्वेंट, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट। केवी का फॉर्मूला देखिए आप जरा सा, थोड़ा हम लोग डिफाइन करेंगे पर दोबारा, अगर कभी क्वेश्चन में गिवन ना हो, अगर केवी की वैल्यू आर नॉट प्रेजेंट, यहाँ पर लिख देता हूँ केवी इज नॉट गिवन, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, तो ये फॉर्मूले से करेंगे, केवी इक्वल टू आर इंटू टी नॉट बी का स्क्वायर, टी नॉट बी कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, एम सॉल्वेंट इंटू 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। मैं एक बार करके दिखाऊंगा क्वेश्चन ताकि आपको आइडिया आ जाए थोड़ा, इन सबों से प्रीवियस बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, तीन तीन नंबर के न्यूमेरिकल, आप इनको जरा अच्छे से पढ़ पढ़ के जाना, और मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा एनसीईआरटी में इनसे क्वेश्चन है कि नहीं, वेयर आर इक्वल टू, अब जानते हैं क्या है आर इक्वल टू, यूजीसी, क्या लिखा है यूजीसी का फुल फॉर्म, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, लिखना वहां पे यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, ठीक है आर इक्वल टू लिखना यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, और टी नॉट बी इक्वल टू, अब जानते हैं बीपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट, आपको याद होगा टेम्परेचर किस में लेना है, केल्विन में, मैंने समझाया है टेम्परेचर की वैल्यू किस में लेना है, केल्विन में, एम का मतलब समझ में आ गया होगा, एमएम ऑफ सॉल्वेंट जो लिखने की भी जरूरत नहीं थी ऊपर लिख दिया था हमने, डेल्टा एच वेपराइजेशन जरा देखते हैं आप थोड़ा सा, डेल्टा एच वेपराइजेशन थोड़ा देखो इसके बारे में, जब डेल्टा एच वेपराइजेशन का लिखा हुआ यहाँ पे मोलर हिट ऑफ वेपराइजेशन, इसका नाम मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन लिखा हुआ, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, अगर किसी बच्चे ने डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एच और आर का रिलेशन जरा से थोड़ा देखते हैं, अगर डेल्टा एच की वैल्यू अगर जूल में लिखा होगा, जरा प्लीज देख लो, अगर जूल में गिवन होगा तो ऐसे केस में जो आर की वैल्यू होती है 8.31, क्या होता है 25/3, कहाँ से लेकर आए हैं, गैस स्टेट से मैंने उठाया है पिछले क्लास में, जब आप आर की वैल्यू कैसे निकाला हो गैस स्टेट में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, और अगर डेल्टा एच की वैल्यू कैलोरी में गिवन होगा तो ऐसे केस में जो आर की वैल्यू होगी वो हम टू लेंगे, आर की वैल्यू लेंगे टू लेंगे, आपको फिजिक्स में या क्लास 10th के जियोग्राफी में पढ़ाया गया होगा डेल्टा एच वेपराइजेशन जो होता है लैटेंट हीट, LVAP यहाँ लिखा हुआ है लैटेंट हीट इंटू मोलर मास होता है, आपको फिजिक्स में सर ने थोड़ा ये कभी इंट्रोड्यूस किया होगा या कभी ज्योग्राफी में पढ़ाया गया होगा, LVAP का नाम होता है लैटेंट हीट, और लैटेंट हीट क्या होता है आप जानते हैं,
इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। लेटेंट हीट लिखा हुआ है यहाँ पे। अब जैसे ही क्वेश्चन हम करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखेंगे कैलकुलेट केबी। केबी का नाम आप जानते हैं क्या है? इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। कैलकुलेट केबी ऑफ वाटर इफ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 540, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 540 कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम। क्वेश्चन को जरा पढ़ लें, मैं जरा सब करूंगा, आपको सॉल्व नहीं करना है, बस क्वेश्चन को पढ़ लें। और आज से एक बात ध्यान रखना है, वो तो कहते हैं ना, मछली जल की रानी है, आजीवन उसका पानी है। तो ह्यूमन का भी जो है जीवन क्या है उसका, बस पानी ही जैसा है। तो अपने जीवन का जो ऐसे कह लो मूलभूत ढांचा जो है पानी पे टिका हुआ है, तो जो वाटर है उससे रिलेटेड सारी कॉन्स्टेंट थोड़ा हमें याद रखना चाहिए। वाटर का कॉन्स्टेंट क्या क्या हमें थोड़ा याद रखना है, जरा मैं इधर लिख देता हूँ। एक लैटेंट हीट की वैल्यू याद रखना चाहिए जो मैंने यहाँ पर लिखा है, जानबूझ के लिख के दिया था, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा। वाटर का मोलारिटी याद रखना चाहिए, ये हमने कई बार सॉल्व किया है। वाटर का डेंसिटी याद रखना चाहिए, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट याद रखना चाहिए, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट यानी मेल्टिंग पॉइंट हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। वाटर के बारे में सब कुछ ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसके बगैर जीवन ही नहीं है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो ये वहां से हमने कॉपी कर ली, ये सारी डाटा हमें याद रखना पड़ेगा तभी हमारा काम चलेगा। और कुछ है नहीं, बहुत आसान है। आप ये सारे न्यूमेरिकल जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेटेंट हीट, मोलारिटी, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सब आपको आता है, लेकिन मैंने जानबूझ के थोड़ा दोबारा लिखा है कि इसको थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए। अब जरा देखो इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ। सबसे पहले के वी इक्वल टू लिखूंगा, इसमें टू लिखेंगे, आर की जगह पर हमने टू क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ के पता चल रहा है कैलोरी पर ग्राम लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? कैलोरी पर ग्राम। तो कैलोरी में आर की वैल्यू कितना लेना है? टू लेना है। अब जरा देखो वहां पे लिखा हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट, के बी मतलब क्या है इसमें? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हेडिंग का नाम है। तो आप जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। हमें किसमें टेम्परेचर लेना है? कैलविन में लेना है। तो कैलविन में चेंज करने के लिए आपको पता है कितना लिखना चाहिए? 373 का स्क्वायर। जरा देख लो यहाँ पे टी नॉट बी जो होता है वो कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आप जानते हैं डिग्री सेल्सियस में है, जिसको सॉल्व करेंगे तो 273 प्लस डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन होता है। ये हमने गैस स्टेट में पढ़ लिया, तो 373 स्क्वायर हम कर लेंगे, ओके, इनटू 18 करेंगे। यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है? वाटर है। और नीचे आएंगे तो 1000 ब्रह्मा जी का वरदान, तो मल्टीप्लाई डिवाइड तो करना ही है तो करेंगे। और 540 लैटेंट हीट है, इनटू इनटू हम क्या करेंगे इसमें? 18 करेंगे, इनटू क्या करेंगे हम? 18 करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया। इसको जरा कॉपी करना है आप, ये जरा कॉपी करना है। अब केवी के बारे में मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला था, केवी की वैल्यू हर वक्त मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन में गिवन होगा, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन आएगा और 1 मिनट टाइम होगा तुम कर नहीं पाएंगे। तो केवी ऑफ वाटर जो मैं डायरेक्ट थोड़ा यहाँ पे लिखूंगा, केवी ऑफ वाटर कितना होता है? 5.52 केल्विन पर केजी, लिखा हुआ केल्विन केजी पर मोल लिखा हुआ है। तो आज से थोड़ा केवी ऑफ वाटर भी थोड़ा हमें याद रखना है, केवी ऑफ वाटर भी थोड़ा हमें याद रखना है, और के एफ ऑफ वाटर भी हमें थोड़ा याद रखना है। के एफ ऑफ वाटर मैं कमिंग क्लास में पढ़ाऊंगा। ये थोड़ा अभी दो न्यूमेरिकल कर लें। अभी हमने लिख दिया है यहाँ पे केवी ऑफ वाटर, मैंने आपको समझा दिया है। के एफ ऑफ वाटर जो है कमिंग क्लास में हम देखेंगे, तभी थोड़ा एक न्यूमेरिकल थोड़ा हम करेंगे। पहले का आसान न्यूमेरिकल लिखना है आपको, जिसको आप कर लेंगे तुरंत, 1 मिनट का क्वेश्चन है, देखेंगे। कैलकुलेट बीपी बॉइलिंग पॉइंट, कैलकुलेट बीपी ऑफ अ सॉल्यूशन, कैलकुलेट बीपी ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज ऑब्टेन बाय डिजॉल्विंग 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, विच इज ऑब्टेन बाय डिजॉल्विंग 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। फिर से क्वेश्चन रिपीट, कैलकुलेट बीपी ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय 90 व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। ब्रैकेट में लिखना केबी इक्वल टू 0.52 के, यहां पे लिखा हुआ है जरा देखो 0.52 के डैश केजी पर मोल, ये लिखा पड़ा हुआ है। केबी इक्वल टू 0.52 केजी पर मोल। आपको दो बातें ध्यान रखना है कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया वाटर को, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और तुम्हारे बगैर जीवन संभव नहीं है। तो केवी ऑफ वाटर
वाटर की सारी वैल्यू हमें याद रहना चाहिए, और कुछ भी लिखा हुआ ना हो तो सॉल्वेंट वाटर मान के चलना है। आप न्यूमेरिकल पीछे के जितने देखेंगे सब में हमने वाटर ही माना है मैक्सिमम केस में। अब मैं सॉल्व यहाँ करता हूँ, देखिए आप तो निकालेंगे क्या, डेल्टा डीबीएम। और डेल्टा टीबी कैसे निकालते हैं, आई इंटू आपको याद होगा के वी इंटू स्मॉल एम लिखते हैं। आई के बारे में सर कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए सब लोग। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ग्लूकोज, आप तो जानते हैं ग्लूकोज को वाटर में डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको वाटर में डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम कोई NaCl, जरा देख लो आप MgCl2 ये डालते हैं तो ये इधर जाके 1+1 में, ये 1+2 में ब्रेक कर जाता। आपको याद होगा सुबह की क्लास में हमने देखा है जो ब्रेक करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का आई की वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है, जानते हैं आप आई की वैल्यू बढ़ता है, डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ता है, आप जानते हैं ये क्या होता है, पार्टिकल की वैल्यू बढ़ जाती है। और ये कैसा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में कुछ भी बढ़ेगा नहीं, ये इकलौता इधर रिएक्टेंट में लिखा होगा और सेम का सेम प्रोडक्ट में चला जाएगा। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में आई की वैल्यू कितनी होगी, वन, कितनी होगी, वन। वन कैसे लिखा मैंने आपको समझा दिया है, के भी एक कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में हर वक्त गिवन होगी, तो 0.52 लिखा हमने। तो सर आपने कैलकुलेट क्यों किया, कभी क्वेश्चन में दिया हुआ ना हो और कैलकुलेट करने के लिए आया तो हम कैसे करेंगे हम देख रहे हैं। फिर ऊपर में लेना है मोलालिटी, मोलालिटी का फॉर्मूला आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया, तो ऊपर मोल ऑफ सॉल्यूट लेते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट लिखा है यहाँ पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, तो 90/180। 90 कैसे, 90 ग्राम ग्लूकोज का लिखा हुआ है, 180 उसका मोलर मास होता है, दैट इज हाफ, कितना होगा हाफ, लेकिन मैंने जानबूझ के थोड़ा लिखा था ये ताकि आप समझ पाए। और नीचे में आपको पता है सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्वेंट क्या लेते हैं, केजी में लेते हैं। सॉल्वेंट कौन है इसमें, वाटर है जिसकी वैल्यू कितना लिखा हुआ है, 200। और केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, जब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 0.52, देख लें आप 0.52 इंटू 5/2, जिसको हम यहाँ से डिवाइड करेंगे अगेन तो ये सॉल्व होगा, तो 0.26, ये कितना आएगा 0.26, और 0.26 इंटू हम 5 करेंगे, डेट इज 1.3 केल्विन होगा। लेकिन ये आंसर नहीं है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है वहां पे कैलकुलेट डीपी ऑफ अ सॉल्यूशन, हमसे डेल्टा टी भी थोड़ी नहीं पूछा हुआ, हमसे वहां पे पूछा कैलकुलेट डीपी ऑफ अ सॉल्यूशन। क्वेश्चन के लाइन में मेंशन है बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, और बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए टीवी निकालने का डेल्टा टीवी का ये फॉर्मूला है, देख लें आप, टीवी माइनस टी नॉट वी, टीवी माइनस टी नॉट वी, ये फॉर्मूला हमारे पिछले क्लास में भी जस्ट हम थोड़ी देर पहले निकाला था ये, ठीक है, ये फॉर्मूला है यहाँ से। तो इससे अगर मैं टीवी यहाँ से निकालूंगा तो टीवी के बारे में आप समझ गए होंगे क्या करेंगे हम, डायरेक्ट यहाँ से मैं करता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 1.3 केल्विन। अगर इसके दो आंसर आएंगे, अगर आपने इसको डिग्री सेल्सियस में लिया तो ये आंसर आएगा, जरा देख लो आप, डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में लेंगे 374.3 केल्विन आएगा। और आपको मैंने बताया कि आपको दोनों वैल्यू थोड़ा ध्यान रखना है, लेकिन केल्विन का क्वेश्चन बार बार हमारे कोर्स में आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे कोर्स में कौन है, केल्विन 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 ही चल रहा है फिजिकल केमिस्ट्री। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन थोड़ा हम लोग और करेंगे, लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे आज की क्लास का, लिखेंगे अ सॉल्यूशन कंटेन, अ सॉल्यूशन कंटेन 5.85, अ सॉल्यूशन कंटेन 5.85% W by W ऑफ NaCl, 5.85% W by W NaCl, कमा देंगे लिखना 7.1% W by W MgCl2 थर्ड लिखना 30% W by W 30 30% W by W यूरिया का फॉर्मूला NH2CO2 होता है, लेकिन आप यूरिया जरूर लिखना। लिखेंगे कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन मैं करता हूं, देखिए आप सभी स्क्रीन पे देखेंगे, यहां पे देखो क्या क्या गिवन है, 5.85% W by W, यहां देखो यहां पे NaCl जिसकी आई की वैल्यू 2 होती है, आई कैसे निकाला आप जानते हैं, दूसरा लिखा हुआ है 7.1
डब्ल्यू बाई डब्ल्यू 7.1% ही है, ठीक है, 7.1% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू लिखना वहां पे, 7.1 डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एम जी सी एल टू, जिसका आई की वैल्यू 3 है। आई कैसे निकाल रहे हैं हम जानते हैं, यहाँ थोड़ा देखेंगे। इसके बाद हमने बोला है कितना, 30%, 30% की जगह पे लिखना 3% लिखना, वहां 3% लिखना, थोड़ा सा न्यूमेरिकल थोड़ा और सॉल्व हुआ। ये कौन है, यूरिया, इसकी आई की वैल्यू देखेंगे कितना है, इसका आई की वैल्यू देखेंगे कितना होगा, 1, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। कैसा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अब निकालेंगे हम पहले, आपको तो पता है क्या निकालेंगे पहले हम, डेल्टा टीवी, और डेल्टा टीवी निकालने का फॉर्मूला है आई इंटू, जरा यहाँ देखेंगे, के बी इंटू स्मॉल एम। सभी बच्चे जरा स्क्रीन पे देखें और मेरी बात ध्यान सुने, काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आई निकालने के लिए जो फॉर्मूला अभी पिछले क्लास में पढ़ाया था, आई के लिए जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ाया है, उसमें जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ाया आई के लिए, हम देख रहे हैं इंडिविजुअल आई निकाल रहे हैं, जैसे एमजीसीएल टू का अलग, एनएसीएल का अलग, यूरिया का अलग, पिछले क्लास में देख लो सबका अलग अलग हम निकाल रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन लिखा है सबका हमने क्या निकाला है, अलग अलग आई की वैल्यू उन्होंने निकाला है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कोई बच्चा ऐसा सोचेगा कि टोटल आई एक साथ कैसे निकल जाए, जैसे सम ऑफ ऑल आई कैसे निकलेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सम ऑफ आई नहीं निकलेगा, इसको आपको निकालना ही पड़ेगा, इसको आपको निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से मोलारिटी, मोलारिटी यहाँ पे लिखा हुआ, मोलारिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट की जरूरत है, तो मैं यहाँ पे डब्ल्यू क्वार्टर पहले निकालूंगा। मास ऑफ सॉल्वेंट की जरूरत होगी तो कितना होगा, ये 100 माइनस ये सारी वैल्यू का सम कितना, 5.85, जरा देखना यहाँ पे लिखा हुआ 5.85 प्लस 7.1, ये लिखा हुआ है प्लस 3, इन सबको जब हम सम करके निकालेंगे तो कितना होगा ये, 84.05, 84.05। वेट ऑफ वाटर सर हमने क्यों निकाला, क्योंकि मोलालिटी का फॉर्मूला होता है ऊपर में मोल ऑफ सॉल्यूट और नीचे में हम क्या लिखते हैं, मास केजी में सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट कौन है इसमें, वाटर है। सर वाटर कैसे पता चला आपको, इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो मैंने बताया जीवन नहीं जल है, यानी जल ही से जीवन संभव है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे इस बात को, वाटर को एज्यूम करके चलेंगे। और डेल्टा टी वी कैसे निकालेंगे, तो जरा देखो लिखूंगा पहले आई, यहाँ पे सभी बच्चे देखें, पहले तो यहाँ लिखेंगे आई, आई से भी थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, 5.2 को कॉमन ले लेते हैं पहले, के बी जो है यहाँ पे 5.2 है, 0.52 उसको हम जरा सा केवल कॉमन ले लिया हमने, 0.52 जरा देख लें ये कॉमन है। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, आई इंटू एम का, सभी बच्चे देखें आई पहले का कितना है, 2, कितना लिखा हुआ है 5.85, आप जानते हैं, डिवाइडेड बाय एनएसीएल का मास लेंगे, एनएसीएल का मास कितना होता है 58.5, प्लस यहाँ पे देखते चलो इसका कितना है, आई की वैल्यू 3 इंटू 7.1, और इसका मास कितना होता है देखेंगे 95, इसका कितना मास होगा 95, प्लस ये लाइन इधर चल रही है, मेरे पास स्पेस नहीं, इसे मैं नीचे लिख रहा हूँ। सभी बच्चे देखें ये लाइन इधर कंटिन्यू चल रही है, लेकिन मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप ध्यान रखना। नीचे आएंगे तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू 3, यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60, यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60, और नीचे क्या करेंगे हम, ये मास लेंगे केजी में, ये तो ग्राम में वैल्यू है, ये किसमें है, ग्राम में है, इसको 1000 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से डेल्टा टीवी आ जाएगा। और टीवी निकालने का फॉर्मूला होता है 100 प्लस डेल्टा टीवी, क्या फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला, तो यहाँ से टीवी निकाल के रख देंगे इस वाले फॉर्मूले में तो आ जाएगा। और आप जानते हैं दो आंसर आएगा, एक डिग्री सेल्सियस में आएगा और एक किसमें आएगा, केल्विन में आएगा, एक डिग्री सेल्सियस में आएगा और एक किसमें आएगा, केल्विन में आएगा। तो इतना कर लेंगे, कल की क्लास में हम लोग करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अगर कल हमारी दो क्लास होगी तो ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और हम लोग कल कोशिश करेंगे अगर दो क्लास हुआ तो 2 घंटा हम अगर पढ़ाते हैं तो मेरे हिसाब से चैप्टर जो होगा 99% कल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू, थैंक यू सो मच।